हाय गाइस, दिस इज तायरा अफजल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो? जग जोड़ हो गाइस। मैं तो आज, जो मेरे थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है, थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर मैं गाड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। तब तक के लिए हम लोग थोड़े से चाय भी पीते, क्योंकि मैं भी बाहर से आई तो इतना गुस्सा मत किया करो, फूला मेरी जान, गुच्ची मेरा जिगर, टॉम मेरा गुर्दा। थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं पहले, उसके बाद ही गाड़ी दिखाऊंगी। एकदम तो जंप हम नहीं मार सकते हैं ना गाड़ी पे, फिर बोलेगी ये क्या कर रही है। ओके गाइस, आज मेरा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा गाड़ी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, गाड़ी के बारे में है। वो ये है कि गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं दूसरी गाड़ी ले लेती हूँ, जो मेरी ड्रीम गाड़ियां थी। मेरे दिल में सोचा कि चले ठीक है, मैं वही फिर ले लेती हूँ। तीन तीन थी मेरा ख्याल है, एक मर्सिडीज थी और एक बीएमडब्ल्यू थी और एक लैंड रोवर की थी। अब मुझे ये सोचना था कि इनमें से कौन सी अच्छी है, राइड के लिहाज से, हर लिहाज से। तो एनीवेज गाइस, मैंने जो देखा, ज्यादातर मैं डीलरों के पास गई, मैंने चेक की हर तरह की गाड़ी, मैंने राइड लिया उसका, बीएमडब्ल्यू का मैंने लिया, वो मैंने चेक किया, वो बिल्कुल बकवास, जीरो, ऐसे काटा लगा दो उस पे, काट दो। बीएमडब्ल्यू का जो भी सोच रहा है ना, लेने से पहले मैं बोल दूं, रोगे, नहीं लेनी बीएमडब्ल्यू, नहीं लेनी। मेरी पसंदीदा थी X3। मैं X3 को देखने के लिए गई, मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं X3 ले लेती हूँ, अच्छी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। मैंने जब X3 बीएमडब्ल्यू की देखी, उसका राइड लिया, मैंने चेक की, बिल्कुल बकवास, सिफर, नहीं लेना। X1 जो है उसको तो कभी भी नहीं लेना, उसका इंजन तो बिल्कुल खत्म होता है हर वक्त, और वैसे भी जब आप उसको चलाते वैसे लगता है नीचे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, होते नहीं है लेकिन ऐसे आप लोगों को लगता है कि बड़े बड़े खड्डे हैं उसके नीचे। एनीवेज मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बीएमडब्ल्यू को मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने राइड लिया उसका, डाला लाला लाला, मर्सिडीज का मैंने लिया, मर्सिडीज मैंने चेक की, मर्सिडीज की शक्लें सबकी एक जैसी है, कोई फर्क उसमें है ही नहीं। मर्सिडीज में ये प्रॉब्लम है कि अंदर से वो अच्छी होती है, राइड भी उसका मैं कहती हूँ 60% अच्छा है, लेकिन उसकी जो बाहर का लुक होता है मर्सिडीज का, वो बिल्कुल बकवास होता है, मजा नहीं आया उसमें भी, बैठ के चला के देख के उसका भी मैंने खत्म कर दिया काम। उसके बाद फिर मेरी बारी आई लैंड रोवर की। पता तो चल गया ना। उसके बाद फिर बारी आई लैंड रोवर की, गाइस आई लैंड रोवर में मैंने रेंज रोवर मैंने ट्राई की और मैंने डिस्कवरी ट्राई की, उन दोनों में। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं इन दोनों में से कौन सी लूं, जो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, जिसका मैंने रोड पे, हाईवे पे, सॉरी, जब मैंने उसको चलाया, पहले मैंने रेंज रोवर चलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी एक्साइटेड हुई छलांगे वाली कि यही लूंगी। लेकिन जब मैंने उसके पास देखी, दूसरी खड़ी थी लैंड रोवर में, डिस्कवरी थी, डिस्कवरी को जो मैंने देखा, मैंने जो पहली वाली रेंज रोवर जो मैंने ट्राई की थी वो थी ब्लैक, ठीक है, अंदर से भी वो सीटें भी उसकी ब्लैक थी। जब मैंने उसको फिर पार्क किया, मैंने कहा ओके आई एम गोना गेट दिस कार, लेकिन जब मैंने दूसरी साइड पे देखी, डिस्कवरी थी व्हाइट कलर, और उसकी बेज कलर की उसकी जो सीटें थी वो थी, जो मैंने देखा मैं क्रेजी हो गई। मैंने कहा मुझे इसका राइड लेना है, देखना है कि ये कैसी है चलने में, मुझे ये वाली अच्छी लगी। फिर मुझे कहता है जो डीलर था, मुझे कहता है चलो ठीक है इसको जाके चेक कर लो। जब मैंने गाइस वो चेक की, हाईवे पे लेके गई, गाइस उसकी तो क्या बात थी, जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे स्नो यहाँ पड़ती है, उसके लिए थोड़ी हैवी गाड़ियां चाहिए होती है, लैंड रोवर की गाइस जितनी भी, लेकिन वो जो मैंने देखी ना उसमें, जो रेंज रोवर की मैंने देखी, वो थोड़ी बड़ी थी और वो ब्लैक थी, उसकी सीटें भी अंदर से ब्लैक थी। मैंने सोचा ब्लैक ब्लैक है, सारा कुछ उसका ब्लैक ब्लैक था, स्टिल इट वाज गुड, नॉट दैट बैड के मैं बोलूं कि मतलब अच्छी नहीं थी। रेंज रोवर आल्सो वाज गुड, बट मुझे जो ज्यादा अच्छी लगी, मुझे डिस्कवरी अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त थी उसकी राइड, स्ट्रांग गाड़ी है,
और हाँ ठीक है, उसका जरा खर्चा बहुत ज्यादा है। मैकेनिक के पास जब वो जाती है तो मेरा ख्याल है आपका बैंक ही खाली कर देता है वो। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता, शौक जब आपको किसी चीज का होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो नहीं बढ़ाती हूँ ज्यादा, लंबी चौड़ी नहीं करती हूँ, मुझे शौक है बातें करने का, मैं लगी रहती हूँ। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आप लोगों को बाहर लेके जाऊंगी, विजिट कराऊंगी अपनी गाड़ी का, अपनी खुशी का आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, और जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो अपनी हर चीज शेयर करते हैं, दिखाते हैं। अगले का क्या सोच है उसके बारे में वो हम केयर नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है। आपके लाइफस्टाइल में जो भी चीजें चल रही होती है आप सभी कुछ उसके बारे में बताते हैं, और हर हर वो चीज आप बताते हैं जो अच्छी होती है बुरी होती है, आप साथ साथ बोल रहे होते हो। तो एनीवेज गाइस, मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने एक वीडियो शायद मेरी देखी होगी जो मॉल में मैं खड़ी थी, बीएमडब्ल्यू वहां व्हाइट रंग की खड़ी थी, और मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह एक दिन मैं ये गाड़ी लूंगी, और वो दिन आ गया था लेने का, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि मुझे वो गाड़ी पसंद नहीं है। मैं थोड़ी चाय तो पी लूं। टॉम इधर आ जा, आ जा टॉमी। बस मैं थकी आई हूँ, मेरा दिल किया मैं बस चाय साथ बनाऊं, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा बाहर का व्यू कराऊं गाड़ी का। और बस जब भी आप लोगों ने गाइस गाड़ी लेनी हो बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। बहुत सारी है ऐसी, क्रोला भी थी, होंडा सिविक भी थी, और जीपों में भी बहुत सारी थी, और हर तरह की गाड़ियां थी, लेकिन कोई दिल को नहीं लग रही थी। जो वो दिल को एक चीज आपको लगे ना, वो चीज नहीं थी उसमें। तो एनीवेज जो मेरे दिल को लगा, जो मुझे अच्छा लगा, और गाइस पता नहीं क्यों मैंने बस अल्लाह ताला को बोला कि मैं बड़ी टायर्ड हो गई गाड़ियां देखते देखते, मेरे दिल को कोई नहीं लग रही है, प्लीज मुझे कुछ ऐसी दिखा दो मेरे दिल को लगे, एक हिस्सा मैं खत्म करूं जल्दी से ले लूं। और 100 काम करने को होते हैं, एक ही चीज पे मैं बंदा स्टक हो जाता है। और मेरा तो वैसे भी पूरा साल कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कभी घर का कंस्ट्रक्शन, कभी बाहर का, कभी आउट, पता नहीं क्या क्या काम और कर रही होती हूँ मैं। तो चलो ये गाड़ी का एक मसला था, ये भी अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। अल्लाह ताला बस नसीब करे मुझे, और बस अच्छा अच्छा हो, सारा कुछ अच्छा ही चले, आमीन। और मेरी दुआ आप लोगों के लिए भी यही है कि जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की भी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और हर तरह की खुशी आप लोगों को अल्लाह ताला दे, जो आप लोग अल्लाह ताला से मांगो हर तरह की खुशी आप लोगों को नसीब हो, और जो आपकी ख्वाहिशात है इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको पूरी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरी हर तरह की ख्वाहिश पूरी की है। थोड़ी सी जिंदगी में हर किसी का कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये तो लाइफ में होता ही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। लेकिन हमें अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे, किसी के साथ ज्याती नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ ज्याती करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करता है कि वो आपसे दुगना निकाल देता है, उससे डबल आपको फिर अल्लाह ताला दिखाता है कि आपने इसके साथ इतना किया है, मैं इतना करूंगा। गाइज आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में किसी किसी का जो वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरा करते हैं लोगों के साथ, और वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होना है, तो हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमने उस दुनिया में जब जाना है तो उससे पहले ही हमने अपने करतूतों का यहाँ पर जो है ना वो भुगत के जाना है। तो दुख मिलते हैं, जिंदगी अच्छी नहीं होती है, बंदा बड़े स्ट्रेस में रहता है, लाइफ अच्छी नहीं होती है इंसान की, यू नो। तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए इंसान को, और अच्छे काम करो, अल्लाह ताला आपको उसका अच्छा दिखाता है। बुरे काम का बुरा अंजाम अच्छे का अच्छा होता है, ऑलवेज ऐसे ही गाइस होता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बस बहुत बहुत खुश रखे, और चले मैं आप लोगों को बस गाड़ी दिखाती हूँ, तब तक
ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਚੜਨਾ ਕਰ ਕਮੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਤਰ ਦਾ ਕੁਟ ਕੁਟ ਖੰਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ मारी लूट सकाई कैसे लगी गाइस आप लोगों को मेरी गाड़ी? अच्छी लगी है, प्यारी है ना गाइस? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और बस ख्वाहिशात, जब आप लोग किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं ना गाइस, तो अल्लाह ताला आप लोगों को वो चीज दे देता है। मैंने ये देखा, बस ये गाड़ी थी, मैंने अंदर से थोड़ी सी दिखानी थी आप लोगों को, और मुझे बहुत पसंद आई है। आप लोग जब भी गाड़ी लो ना, तो उसकी सीटें अंदर से गाइस इस तरह होनी चाहिए, बहुत अच्छी दिखती है, अच्छा लगता है। लेकिन जब अगर इस तरह की सीट होगी ना, तो उसके साथ कलर भी बाहर का व्हाइट होना चाहिए। अगर बाहर से ब्लैक है, तो अंदर अगर इस तरह का बेज कलर होगा ना, तो वो भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। लेकिन ब्लैक के साथ इनसाइड फिर ब्लैक ही मैंने देखा है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने वो रिजेक्ट कर दी थी, वो थी रेंज रोवर थी, वो मैंने नहीं ली। लेकिन डिस्कवरी थोड़ी सी छोटी थी उससे, और बहुत अच्छी थी ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि बस मैंने कहा मुझे इसी को ही लेना है, और कोई और गाड़ी मैंने नहीं लेनी। चले ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो खुशी थी वो आप लोगों को अपनी दिखाई कि मैं कितनी खुश हूँ। और खुश तो खैर मैं भी इतनी नहीं दिख रही हूँ जितनी मैं थी इसको देखते वक्त, तो और इतनी एक्साइटेड थी कि डीलर के पास गई, इसको मैंने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। कहता तो इतनी फंस गई हो। तो चले ठीक है, अपना ख्याल रखें एंड दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुरादें पूरी करे। जो आप लोग अल्लाह ताला से मांगो वो अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आमीन सुख आमीन। जो मुझे इस वक्त देख रहा है, मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ है, चाहे वो मेरे बारे में बुरा सोचे, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरे दिल से सबके लिए दुआ निकलती है। और बस मैं यही कहूंगी गाइस के बस अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, और बस बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, और बस दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।